हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। तो ये मैंने चावल को एक घंटे पहले भिगो के रख दिए थे और मेरे आल सॉरी मेरे चावल अच्छे से फूल गए। एक घंटे के लिए आप भी भिगो के छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद मैंने ले लिया है ये किशमिश, लौंग, काली मिर्च, दो इलायची और साथ में जीरा और थोड़ी सी मटर। और ये मैंने तेल रख दिया है गरम करने के लिए गैस पे। और साथ में मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया है। और ये मैंने एक टिफिन के हिसाब से लिए थे ना, तो इसमें मैं अब दो टिफिन पानी डालूंगी। तो आप एक कटोरी अगर चावल ले रहे हो तो उसमें दो कटोरी पानी डालना, लेकिन चावलों को पहले से मिला के रख देना। ये पुलाव वाले हैं ना, तो थोड़े से देर में ही बन के तैयार होते हैं। साथ में मैंने ये तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो मैंने डाल दिया है सब मसाले। मेरे अच्छे से भून रहे हैं, तो मैंने इसमें डाल दिए किशमिश। और ये एक मेरी किशमिश भी भून के तैयार हो गई है। साथ में मैंने डाल दिया है ये चावल। चावल डालने के बाद जो मैंने एक कटोरी चावल लिए थे ना, उसके हिसाब से मैंने दो कटोरी पानी डाल दिया है। इससे क्या है, चावल मेरे अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे चावल अच्छे से पानी डाल दिया। मैंने एक दो बार इसमें हला के साथ में ये डाल दिए मटर। मटर मैंने पहले डाली नहीं थी, क्योंकि मटर अगर तेल में डाल देते तो वो चटकती। और साथ में नमक डाल दीजिए आप टेस्ट के हिसाब से। नमक डालने के बाद एक दो बार और चला दिए, इससे क्या है नमक अच्छे से मिल जाए। और साथ में इसमें ढक्कन लगा के रख दूंगी और दो सीटी आने तक इसको अच्छे से। ये मेरी सीटी आ चुकी है और दो सीटी आने के बाद मैं गैस को कर दूंगी बंद। गैस करने के बाद मैंने बंद करने के बाद कुकर की सीटी बिल्कुल निकाल दी थी। और उसके बाद हम आपको इसमें थोड़े से डाल दिए मैंने हरे धनिया। हरे धनिया डालने के बाद ये धुआं सा मोबाइल पर छा रहा है, इसलिए साफ वीडियो नहीं आ रही है। अब ये देखिए मेरे पुलाव अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं और एकदम खिले खिले बने हैं। देखिए आप एकदम अच्छी तरीके से बन के एकदम रेडी हो गए। आप किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। देखिए आप। ओके बाय।